शर्मा का जो उसने सेंचुरी बनाया उसको क्लिपिंग करता हूँ, 77 बनाया और उसके लिए भी, और 48 बना उसके लिए भी। देखो T20 में ये थोड़े थोड़े स्कोर ही आगे बढ़ाते हैं। रह गया कि यार पिछले मैच में कम स्कोर दिया था जिम्बाब्वे ने टारगेट और उसको चेस नहीं कर सके। तो देखो पहला मैच था, फिर शुभमन गिल की, अच्छा देखो कप्तानी का बहुत बड़ा बोझ हो, अगर शुभमन गिल परफॉर्मेंस बैटिंग एज ए बैट्समैन नहीं कर पा रहा तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है आप उसको टाउन करें, क्रिटिसाइज करें। देखिए वो इतना रेस्ट करके अब जाके वो खेलने पे आया है और वो खेल रहा है और उसकी कप्तानी में जीता और अच्छे मार्जिन से जीता। याद रहेगा हमें विराट कोहली, रोहित शर्मा लेजेंड है रहेंगे हमारे लिए, रहेंगे जैसे आज भी सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, सुनील गावस्कर, कपिल देव पाजी, एक नाम है ये कभी भी इसको भूले नहीं जा सकते। नो डाउट के इंडियन क्रिकेट टीम बेस्ट है, बेस्ट थी, बेस्ट रहेगी, सेलिब्रेट कर रही है, जश्न मना रही है और फिर भी उन्होंने अपनी टीम तैयार करके भेज दिया जिम्बाब्वे से। अगर यही हमारे पाकिस्तान अगर हम जीत भी जाते तो क्या बाबर आजम मैच छोड़ देता? सवाल ही पैदा नहीं होता, ना बाबर आजम छोड़ता ना मोहम्मद रिजवान छोड़ता, तो लाजमी वो लोग खेलते हैं। लेकिन आप देखिए पूरी की पूरी 11 खिलाड़ी चेंज होना है कोई आसान काम नहीं है। हम अभी भी देखो हमारे जो है सुपर एट तक हम नहीं पहुंच सके तो उसके बावजूद हम क्या लड़के निकालेंगे? बहुत ज्यादा होगा, देख लीजिएगा आप 3 से 5 लड़के, उससे ज्यादा वो नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। कल इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे का मैच हुआ, हकीम साहब अभिषेक आते उसने 100 टोक दिए, रिगु सिंह ने 48 मार दिए और ऋतुराज ने भी 77 मार दिए, 234 का टारगेट हरा दिया उन लोगों ने। पहला मैच हार गया था और दूसरा मैच जीत गया था, क्या कहना चाहोगे हकीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले तो जीत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। खेल हार जीत का हिस्सा है, एक मैच अगर हार गए तो ये मायूस होने वाली बात नहीं है। फिर आप देखेंगे टीम कौन सी है, IPL की टीम है, बच्ची टीम है, अंडर 19 से थोड़ी सी बड़ी टीम होगी, लेकिन अगर एज ए सीनियर टीम देखें तो वो तो नहीं है। तो अगर पहला मैच अगर हार गए तो इस पर डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है और मुझे अफसोस हुआ कि सुशांत ने जो है बोला बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए उसको, इसलिए कि देखिए आप ये देखिए कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अभी तक सेलिब्रेट कर रही है, जश्न मना रही है और फिर भी उन्होंने अपनी एक टीम तैयार करके भेज दिया जिम्बाब्वे से। अगर यही हमारे पाकिस्तान अगर हम जीत भी जाते तो क्या बाबर आजम मैच छोड़ देता? सवाल ही पैदा नहीं होता, ना बाबर आजम छोड़ता ना मोहम्मद रिजवान छोड़ता, तो लाजमी वो लोग खेलते हैं। लेकिन आप देखिए पूरी की पूरी 11 खिलाड़ी चेंज होना कोई आसान काम नहीं है। हम अभी भी देखो हमारे जो है सुपर एट तक हम नहीं पहुंच सके तो उसके बावजूद हम क्या लड़के निकालेंगे? बहुत ज्यादा होगा, देख लीजिएगा आप 3 से 5 लड़के, उससे ज्यादा वो नहीं। मैं तो कहता हूँ क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन भी पाकिस्तान हटाना चाहिए। अब रहेगी इंडियन क्रिकेट टीम, मैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और खासकर अभिषेक शर्मा का जो उसने सेंचुरी बनाया उसको क्लिपिंग करता हूँ, 77 बनाया उसके लिए भी और 48 बना उसके लिए भी। देखो T20 में ये थोड़े थोड़े स्कोर ही आगे बढ़ाते हैं। रह गया कि यार पिछले मैच में कम स्कोर दिया था जिम्बाब्वे ने टारगेट और उसको चेस नहीं कर सके। तो देखो पहला मैच था, फिर शुभमन गिल की, अच्छा देखो कप्तानी का बहुत बड़ा बोझ हो, अगर शुभमन गिल परफॉर्मेंस बैटिंग एज ए बैट्समैन नहीं कर पा रहा तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है आप उसको टॉन्ट करें, क्रिटिसाइज करें। देखिए वो इतना रेस्ट करके अब जाके वो खेलने पे आया है और वो खेल रहा है और उसकी कप्तानी में जीता और अच्छे मार्जिन से जीता। ये ना आज अगर जीता 100 रन से जीतना कोई आसान काम नहीं है। तो एज ए कैप्टन और उसकी भी गोल्डन हरूफ से लिखा जाएगा भाई शुभमन गिल का नाम, वो वाकई उसने डिजर्व करता था। और बाकी मेरे ख्याल से 3 मैच का सीरीज है या 5 मैच का, तो नो डाउट के इंडियन क्रिकेट टीम को हरा सके। मुझे जो अभी भी मैं कहता हूँ कि ये सीरीज जो है इंडिया के नाम हो, इंडिया के नाम हो, क्योंकि देखिए वो एक दफा जब एक्सीलेटर दब जाता है ना तो पहले गियर से दूसरे गियर पे आ चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम। जब इंडियन क्रिकेट टीम दूसरे गियर पे आ चुकी है तो थर्ड गियर और फोर्थ गियर के लिए मसला नहीं, अब वो रिवर्स गियर पांचवा गियर नहीं लेगी। हकीम साहब जयसवाल को रिजर्व में रखे उसे नहीं खिलाया जा रहे, क्या वजह लगती है? हाँ ये जयसवाल मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि एक लड़के को आप पूरे वर्ल्ड कप में लेके गए और उसको, ठीक है 11 से 11 लड़के अच्छे थे, किसको खिलाए किसको नहीं खिलाए, लेकिन ये जो टूर्नामेंट शुरू हुआ इसमें आप चांस दे सकते थे। और जयसवाल वाकई एक बेहतरीन बैट्समैन है मेरे हिसाब से, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। अब ये बेहतर जानते होंगे अब क्रिकेट बोर्ड वाले कि वो क्या वर्षा इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल था, तो सेलिब्रेट कर रहा हूँ उनके साथ, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर उसे नहीं खिलाया जा रहा है तो ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि फ्यूचर देखना है इंडिया को। आप देखें इतना बड़ा, मैं तारीफ करता हूँ रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, इसको कहते हैं लेजेंड खिलाड़ी, कि उन्होंने अपने यंगस्टर के बारे में सोचा कि यार ये यंग अगर मैं रिटायर होऊंगा तो लड़कों को चांस मिलेगा ना, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आप देखें कि हमारे टीम खिलाड़ी होते हैं रिटायर नहीं होते, बाद में वो टीम से निकल जाते, फिर बाद में रिटायर होते। जीत की बात
कोई भी टीम के लड़के ने मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करते, जीते भी ट्रॉफी भी हाथ में लिया और उस टाइम और परफॉर्मेंस भी विराट कोहली, ये नहीं कि परफॉर्मेंस फाइनल में नहीं दिया, उसकी वजह से ही मैच जीते, परफॉर्मेंस दे के जीत के और उन्होंने यंगस्टर के बारे में सोचा और खासकर उन्होंने इंडियन के लिए बारे में सोचा कि अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपनी टीम के बारे में सोचा कि यार यंगस्टर लड़के बैठे हैं वो कब तक बैठे रहेंगे। तो उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले लिया, विराट कोहली ले लिया, रोहित शर्मा ले लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है, दिल गुर्दे की बात है, ये आसान काम नहीं मुझसे बोलना कि यार अभी हमारा लास्ट T20 है, जबकि अभी आपको पता है मेरे ख्याल से 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, मेरे को नहीं ख्याल कि शायद वो खेले, लेकिन आएंगे जरूर, ओडीआई में तो इंशाल्लाह वो खेलेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए बड़ा खिलाड़ी नजर आया रोहित शर्मा, बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली, आप देखिए हार्दिक पांड्या को गोद में उठा लिया, अब वो छक्का था नहीं था आउट था नहीं था वो एक बात की बात है, अगर इतने ही साउथ अफ्रीका को मसले बनता है उसमें बार बार वो दिखा रहे डेविड मिलर, फिर वो क्या कहते हैं आईपीएल ना खेल के दिखा रहे, लेकिन जीत जीते थे, अच्छा कैच पकड़ा और मैं इस जीत को जो ना सही मायने में सूर्य कुमार यादव के नाम करता हूँ, वही कैच था, वो कैच नहीं होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मैच वो जीत सकते थे। हकीम साहब देखा जाए तो इंडिया जो है बेस्ट पेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब जो अभिषेक शर्मा आ गया, उसके बाद ऋतुराज भी काफी जबरदस्त खेल रहे, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी महसूस नहीं हुई T20 में इंडिया के लिए? T20 तो देखिए एक शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें मेरे हिसाब से तो महसूस होने भी नहीं चाहिए, और रह गया इंडिया प्रोड्यूस सिर्फ बैट्समैन नहीं कर रहा, यहाँ आपकी बात से मैं इतफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि आप देखें हर्षदीप सिंह वो बॉलिंग किया, उसने वो मोमेंट था वो पाकिस्तान को भी हराया, 119 का टारगेट चेस करने नहीं दिया, आप पीछे चले जाएं आपको बुमराह, आपको पता है उसको लेजेंड में नाम शामिल हो गया, उसकी तस्वीर जो है लग गया ग्रेटेस्ट खिलाड़ी प्लेयर में, तो वो बॉलर भी ला रहे हैं, अगर आप कुलदीप यादव को देखें उसके अलावा उनके पास और भी बॉलर हैं, तो नो डाउट कि मेरे ख्याल से कि अगर इंडिया बॉलर भी नहीं ला रहा है, आप तो कहते थे आपके बॉलिंग लाइनअप बहुत मजबूत है, तो अमेरिका जैसे खिलाड़ी 160 कैसे चेस कर लिए, आपके बॉलर को 14 या 18 स्कोर कैसे बन गया, अगर वही 16 रन जो इंडिया को के खिलाफ साउथ अफ्रीका को चाहिए था अगर आप कराते हैं क्या कहते हैं हारिस रूफ से या आमिर से, तो वो मेरे ख्याल से 18 रन पड़ना था, पड़ जाता क्योंकि आपने याद होगा विराट कोहली ने मेरे ख्याल से हारिस रूफ को मारा था, तो 3 ओवर में 48-50 बना लिया इंडिया, तो और इंडिया क्रिकेट टीम डिजर्व करती थी वर्ल्ड कप के लिए, और ये एक वाइट टीम है जो मैं कहता हूँ वर्ल्ड चैंपियन टीम है, वर्ल्ड चैंपियन टीम, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है भाई, अल्फाज ने आप देखे जशन, अगर खिलाड़ी गलत खेल के हारते हैं तब वो उनके घर में अगर पथराव करते हैं एक अलग बात है, लेकिन वैसे अगर आप लड़के अगर साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं तब भी उनका घर में कोई पथराव नहीं होता, ना टीवी टूटती, वो लड़े, अब रह गया कि आप खेल के नजर आ के परफॉर्मेंस पे, जैसे कि अफगानिस्तान 56 रन पे मैं कहा लो तो ऑल आउट हो गया था, उस तरह के लिए आउट इंडिया होते तो फिर तो लाजमी कुछ ना कुछ, लेकिन आप ये देखें कि जब वो जीतती है तो उनके जशन देखे आप सेलिब्रेट, बहुत बेहतरीन ऐसा इस्तकबाल मैंने आज तक, ऑस्ट्रेलिया कई दफा जीती है लेकिन उस पर भी इसका इस्तकबाल नहीं हुआ जो इस्तकबाल मुझे वाकई नजर आया इंडिया के, क्योंकि एक टीम है, एक नाम है, एक मुकाम है, और मेरे ख्याल से आने वाले परसों मुझे नहीं लगता कि वो टीम इंडिया को कोई हरा सके, और इंडिया जैसी बेहतरीन बेस्ट टीम, और ये है कि मुद्दा तो याद रहेगा विराट कोहली रोहित शर्मा को, लेजेंड है रहेंगे हमारे लिए, सचिन तेंदुलकर लारा सुनील गावस्कर कपिल देव पाजी एक नाम है, ये कभी भी इसको भूले नहीं जा सकते, नो डाउट कि इंडियन क्रिकेट टीम बेस्ट है, बेस्ट थी, बेस्ट रहेगी।